Hey, what's up guys, we are back with another GTA 5 video और आज हम लोग अपना सबसे खतरनाक मिशन करने जा रहे हैं, वो है यूट्यूबर्स की गाड़ियां चुराना। तो आज हम लोग अपना सबसे पहला यूट्यूबर की गाड़ी चुराएंगे और जो हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला बंदा है वो है टेक्नो गेमर्स। जिन लोगों को नहीं पता, टेक्नो गेमर्स के पास है कस्टम ब्लू कलर की प्रिंट हुई हुई लैम्बोर्गिनी सियान, ठीक है। अब हम लोगों को बड़ी प्लानिंग के साथ जो है वो गाड़ी उठानी पड़ेगी उससे। तो फिलहाल के लिए मैं तुम लोगों को सीन बता देता हूँ कि क्या है, मैं तुम लोगों को घर से बाहर निकल के बताता हूँ कि सीन क्या है। तो सीन ये है कि जैसा कि तुम लोगों को पता है कि हमारे घर के बिल्कुल साथ ही यहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट हाउस में है कल मीटिंग और शहर के टॉप लोग इन्वाइटेड हैं, ठीक है। कुछ सेलिब्रिटीज वगैरह इन्वाइटेड हैं, कुछ अमीर तरीन लोग इन्वाइटेड हैं शहर के, जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे प्रेसिडेंट की। और यहाँ पे जो है कुर्सियां वगैरह लगा दी जाएंगी और यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट अपना स्पीच कर रहा होगा। अब ये सारी चीज होगी कल और मुझे सुनने में आया है कि टेक्नो गेमर्स इज ऑल्सो इन्वाइटेड टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। वो खुद भी इन्वाइटेड है यहाँ पे और जाहिर है वो अपनी आएगा लैम्बोर्गिनी में, लैम्बोर्गिनी पार्क करेगा यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन अब मुश्किल मसला ये है कि यहाँ पे हाई सिक्योरिटी होगी और गाड़ी यहाँ से लेके जाना कोई हलवा नहीं होगा, बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो सबसे पहली बात, हमें फ्रैंकलिन की जरूरत पड़ने वाली है और हमें मास्क ही पहन के रखना है, क्योंकि अगर हम लोग पहचाने गए कि ये तो माइकल है जो गाड़ी चुरा रहा है, फिर तो हम गए भाई, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग हमें पहचानते हैं। प्रेसिडेंट के घर के बिल्कुल साथ ही हमारा घर है, मेंशन है अपना नया वाला, तो मसला हो जाएगा अगर उन्होंने हमें पहचान लिया। अभी मैं फ्रैंकलिन को कॉल लगा लेता हूँ और उसको बुला लेता हूँ अपने पास, बेस्ट हो गया। फ्रैंकलिन अवेलेबल है और हम लोग इस वक्त फ्रैंकलिन की तरफ चलते हैं और हम लोग थोड़ी सी वैसे फ्रैंकलिन की भी सुन लेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इस प्लान के बारे में, और जैसा जैसा वो कहेगा हम लोग वैसे ही फॉलो करेंगे उसको। मैं बता दूंगा सीन, बता दूंगा क्या है कि प्रेसिडेंट हाउस पे जो है वो आएगा, ठीक है, मीटिंग सुनने, और वो आएगा अपनी लैम्बोर्गिनी में, कंफर्म लैम्बोर्गिनी में आएगा, वो कोई दूसरी गाड़ी लेके नहीं आएगा, वो उसकी डेली की गाड़ी है, तो इतना तो पता है मुझे कि वो लैम्बोर्गिनी में ही आएगा, ठीक है। जब वो आएगा उसके बाद क्या करना है वो हमें फ्रैंकलिन बताएगा। तो इस वक्त हम लोग जा रहे हैं फ्रैंकलिन की तरफ ही। आ जा भाई, देखो फ्रैंकलिन ने खुद वहां पे लैम्बोर्गिनी बुगाटी और फरारी रखी है उधर टॉप पे अपने गैराज के अंदर, और अभी हम लोग लैम्बोर्गिनी सियान चोरी करने का सोच रहे हैं। अभी हम लोग फ्रैंकलिन को ले जाते हैं अपने मेंशन में और वहां पे उसको सीन बताते हैं कि क्या क्या है, उसको दिखा देंगे हम लोग कि यहां पे प्रेसिडेंट हाउस है, यहां पे लोग आने हैं, किस किस जगह पे जो है सिक्योरिटी खड़ी होगी। ओके, तो हम लोग यहीं से जो है सारा जायजा लेंगे और हम लोग करीब इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि अगर हम लोग करीब गए तो माइकल और फ्रैंकलिन का चेहरा पहचान लेंगे कि ये कोई यहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। तो हम लोग अपनी स्नाइपर यूज करते हैं वहां से देखने के लिए। तो मैंने फ्रैंकलिन को बता दिया कि वहां पे जो है सिक्योरिटी होगी, इन जगहों पे रोड पे सिक्योरिटी होगी, इस जगह पे जो है पार्किंग है जहाँ पे जो इनवाइटेड लोग हैं उनकी गाड़ियाँ खड़ी होंगी और वो तो खैर हमारा गाड़ी है, और हम लोगों को मास्क वगैरह चाहिए होगा, सिर्फ माइकल को मास्क चाहिए होगा, फ्रैंकलिन की खैर है। अच्छा, तो फ्रैंकलिन ने अभी अभी हमें बताया कि वहाँ से गाड़ी चुराना इतना कोई आसान नहीं होगा, तो इसलिए हमें एयरबोर्न होना पड़ेगा, यानी कि हमें हेलीकॉप्टर कार्गो प्लेन का इंतजाम करना पड़ेगा और गाड़ी चुराते ही हमें यहाँ से दस्ती कटना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एयरपोर्ट, कार्गो बॉब का इंतजाम कर लेते हैं। आ जाओ बैठो भाई, बैठ जा। तो ये पहुंच चुके हैं जी हम एयरपोर्ट और यहाँ पे हम लोग इंतजाम करेंगे कार्गो प्लेन का और कार्गो हेलीकॉप्टर का। कार्गो प्लेन का हम लोग इसलिए इंतजाम करेंगे क्योंकि कार्गो प्लेन जो है उसी के अंदर हम लोग गाड़ी डाल के उसको शहर से बाहर ले जाएंगे एक बार, ठीक है, क्योंकि पुलिस हमसे छुटने नहीं वाली, क्योंकि हम लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने से गाड़ी चुराएंगे और बहुत ज्यादा जो है मसला हो जाएगा, तो हमें शहर से ही बाहर निकलना पड़ेगा टेम्पोरेरीली। डायरेक्ट हम लोग कार्गो बॉब से लैम्बोर्गिनी सियान चुरा के हम लोग सीधा एयरपोर्ट नहीं लेके आ पाएंगे, क्योंकि जाहिर है प्राइम मिनिस्टर और उनकी भी एयरबोर्न सिक्योरिटी होगी, तो वो ना कहीं हमें गिरा दें। तो हमें सबसे पहले कार्गो बॉब से गाड़ी उठानी है, उसको कहीं पे लैंड करना है, फिर गाड़ी के अंदर बैठना है मैंने और फ्रैंकलिन दोनों ने, और उसको हमने ले आना है एयरपोर्ट पे लेके आके हम लोग बैठेंगे कार्गो प्लेन के अंदर। ओके, तो हमने कार्गो प्लेन का इंतजाम कर लिया, इसका मैंने पीछे से रैंप खोल लिया ताकि हम लोग जैसे ही गाड़ी लेके एयरपोर्ट के अंदर एंटर हों हम लोग फौरन इसको जहाज के अंदर घुसा दें। और ये रहा हमारा कार्गो हेलीकॉप्टर जो हम लोग यहाँ से सीधा लेके जाएंगे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच जहाँ पे हो रही होगी, और वहाँ से टेक्नो गेमर्स की लैम्बोर्गिनी सियान उठा के हम लोग गाड़ी को सीधा कहीं पे लैंड कर देंगे ताकि एयरबोर्न सिक्योरिटी जो है प्राइम मिनिस्टर की वो ना हमारे पीछे पड़ी हो, हेलीकॉप्टर्स वगैरह, और हम लोग गाड़ी लेके सीधा एयरपोर्ट आ जाएंगे। तो अब सीन ये है कि शाम तो हो गई है ऑलमोस्ट और हमें वापस यहीं पे आना होगा, तो हम लोग यहीं पे कहीं पे सो जाते हैं, हम अपने वेयर हाउस वापस चले जाते हैं इधर एयरपोर्ट वाले वेयर हाउस में, वहाँ पे हम लोग सो जाते हैं और यहीं से काम स्टार्ट करते हैं। फ्रैंकलिन ने अब बहाना लगा दिया, फ्रैंकलिन हरामी जो है वो चला गया घर अपने, लेकिन शुक्र है हमारे लिए कार्गो प्लेन और कार्गो हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर गए, तो हमारे लिए इतना काफी है। मास्क मैं पकड़ लेता हूँ यहीं से और अब मिलते हैं सुबह। तो भाई सुबह हो चुकी है और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि मैंने अपना हुलिया भी चेंज कर लिया, मैंने मास्क भी पहन लिया, कपड़े शपड़े भी मैंने थोड़े बहुत चेंज कर लिए, और ये सामने पता नहीं कौन सा जहाज जो है आके रुक गया है। लेकिन खैर सुबह हो गई है, यानी कि
प्रेसिडेंट की स्पीच भी शुरू हो चुकी होगी। हम लोग जल्दी से अपने हेलीकॉप्टर पे बैठ जाते हैं और प्रेसिडेंट वाले एरिया पे चलते हैं। मैं प्रेसिडेंट वाला एरिया मार्क कर देता हूँ मैप पे, और अब हम लोग को जल्दी से जाना है, गाड़ी उठानी है उससे पहले कि प्रेसिडेंट की स्पीच खत्म हो जाए। होपफुली टेक्नो गेमर्स अपनी गाड़ी लेके आया होगा उधर, और हम लोगों को जो है सबसे पहले छुपके से जो है वो गाड़ी उठानी है। हम लोग सबसे पहले प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजारेंगे और जायजा लेंगे कि कितनी की सिक्योरिटी है। अगर तो बहुत ज़्यादा हुई तो हमें थोड़ा बहुत प्लान चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अगर ओके सिक्योरिटी हुई तो फिर इतना इश्यू नहीं है, देख लेंगे कुछ ना कुछ। होपफुली हमारा प्लान जो है वो काम कर जाएगा। फ्रैंकलिन भी अगर हमारे साथ होता ना तो फिर बहुत बेहतर हो जाता, लेकिन अब वो हरामी जो है चला गया घर अपने। ओके, तो वो है हमारा प्रेसिडेंट हाउस, और उसके आसपास अब हमें थोड़ा बहुत जायजा लेना पड़ेगा। हम लोग हेलीकॉप्टर थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा लो ग्राउंड पे यार वो देखो ना यार, पुलिस का हेलीकॉप्टर भी फिर रहा है। अब पता नहीं क्या सीन है, वो सिक्योरिटी के लिए फिर रहे कि अगर इनके केस अगर इनको कुछ सस्पिशियस नज़र आया तो ये लोग उड़ा देंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट अपनी स्पीच देने आया हुआ है यहाँ पे। लेकिन देखते हैं एक बार आगे जाके, देखते हैं क्या सीन है। ओके हाँ, प्रेसिडेंट की स्पीच हो रही है। एक सेकेंड, मैं ना ओके, तो प्रेसिडेंट की स्पीच हो रही है और गाड़ी ओ वड़ी 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 यार, ये तो बिल्कुल उन्होंने सिक्योरिटी के बिल्कुल सामने खड़ी कर दी है टेक्नो ने। अच्छा, लेकिन इसको अब हमें बड़े ध्यान से लेके जाना पड़ेगा। पहले देख लेते हैं यार, हम लोग ना एक काम करते हैं, अब हम लोग थोड़ा पैदल देख के आते हैं कि क्या सीन है। गाड़ी तो वो लग रही है बड़ी स्मैक्सी किस्म की सामने ही खड़ी है, टेक्नो भी वो सामने जो क्राउड है वो भी उसी के अंदर ही घुसा होगा। लेकिन थोड़ा देख के आते हैं कि अच्छा, यहाँ पे आर्मी वाले खड़े हुए हैं, कहीं ये मास्क की वजह से मुझे कहीं रोक ना ले। लेकिन चलो शुक्र है उन्होंने ज़्यादा रोका नहीं है, हेलीकॉप्टर हमारा वही फरा हुआ है। लैम्बोर्गिनी सियान, हम लोग इसके पास भी नहीं जा सकते इस वक्त, लेकिन ये बहुत ही कोई स्मैक्सी किस्म की लैम्बोर्गिनी सियान लग रही है यहाँ पे। और अच्छा, यहाँ पे सिक्योरिटी मजीद खड़ी हुई है, और वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट स्पीच दे रहे हैं, लोग आए हुए हैं। अच्छा, क्या किया जाए, आई थिंक डायरेक्ट रिस्क ले ही लेते हैं यार। वैसे एक चीज़ है, कार्गो बॉब वाला जो है ना बहुत बुरा आइडिया है, बहुत बुरा आइडिया है। उसकी वजह ये है कि अगर जैसे ही हम लोग हेलीकॉप्टर इसके पास लेके आएंगे, गाड़ियों के पास, ये इतनी आर्मी मिलिट्री यहाँ पे खड़ी है, उनको सारों को पता लग जाएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, और वो हमारा उसी वक्त जो है हेलीकॉप्टर गिरा देंगे। तो फ़ायदा कुछ नहीं होना, हमें थोड़ा और प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। आई थिंक मुझे जो जितनी भी करीब जितनी भी सिक्योरिटी है ना, उनको स्नाइपर से उड़ाना पड़ेगा दूर से, तभी कुछ ना कुछ हो सकता है। या फिर एक काम मैं कर सकता हूँ, ये जो पीछे जो गाड़ी है ना, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ C4। एक गाड़ी जब मैं यहाँ ये वाली उड़ाऊंगा तो ये सारी की सारी उड़ जाएगी, एक गाड़ी अगर मैं वो वाली उड़ाऊंगा तो आगे की सारी उड़ जाएगी। तो इस तरह मुझे C4 लगानी पड़ेगी ताकि यहाँ पे जितनी आसपास जितनी सिक्योरिटी है वो उड़ जाए। तो मैं C4 लगाता हूँ पीछे जाके। ओके, ए मेक श्योर कि कोई देख नहीं रहा। ओके, एक मैंने C4 इस गाड़ी पे लगा दी है और हमें छुपके से जाना पड़ेगा। एक मैंने C4 इस गाड़ी पे लगा दी है, काफ़ी है काफ़ी है। अब हम लोग थोड़ा उस तरफ चलते हैं, ये हमें थोड़ी करीब से गाड़ी भी देखने को मिल जाएगी। ओ माई गॉड भाई, ये बस लेने वाला हूँ मैं, टेंशन नहीं है। अच्छा, अबे यार यहाँ पे पुलिस की वो भी है, रेवेंटन भी है, लेकिन खैर है यहाँ पे तो कोई नहीं है ना। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक लगा देते हैं C4, लगा दिया, किसी को भी पता नहीं लगा। अच्छा ओए, अच्छा नहीं, शुक्र है, मुझे लगा उसको पता लग गया। अब हम लोग ना एक काम करते हैं, इधर दूर से ना स्नाइपर चलाते हैं, जो किसी को भी पता नहीं लगेगा कि हम लोगों ने चलाई है, और इनको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे ही ये लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे, मैंने चला दी है C4 ताकि काफ़ी हद तक जो है सिक्योरिटी उड़ जाए। इस बंदे को लेना होगा, ये बहुत हरामी लग रही है। बस डन हो गया। ओए, तीन पुलिस पड़ गई है हमारे पीछे, तीन पुलिस पड़ गई है, ये तो गंदा हो गया। मैंने C4 डेटोनेट कर दी है, अब शुक्र है लेफ्ट राइट वाली सिक्योरिटी गई। आई थिंक हमें अब भाग के ले लेना चाहिए, गाड़ी ले लेनी चाहिए। अबे यार ये तो गंदा हो गया, एक सेकेंड, मुझे अपना रॉकेट लॉन्चर यूज़ करना पड़ेगा। अब एक गाड़ी को ना कुछ हो जाए बस। ओके, हमें जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा, मेक श्योर कि जितने भी लोग हमारे पास हैं उन सारों को हमें उड़ाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं यार, शुक्र है हमारी बुलेट प्रूफ वेस्ट इस वक्त काम आ रही है काफी ज्यादा। ओके, जल्दी 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 बैठ जा। ओ यार, टायर पंक्चर करने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा गाड़ी लेके।
ओके तो हमारा प्लान काफ़ी हद तक कामयाब रहे, लेकिन चार पुलिस जो है इस वक्त हमारे पीछे पड़ चुकी है। आई थिंक हमें डायरेक्ट इस वक्त एयरपोर्ट ही जाना चाहिए। मैं एयरपोर्ट मार्क कर देता हूँ, हमें डायरेक्ट वैसे एयरपोर्ट ही जाना चाहिए। हम लोग रॉन्ग वे जा रहे हैं, लेकिन हमें इस वक्त हमें पास टाइम नहीं है इस वक्त। ओ माय गॉड, लैम्बोर्गिनी सियान बॉयज हमारे हाथ लग चुकी है टेक्नो गेमर की। लेकिन अबे ये तो बहुत ज़्यादा पुलिस है यार। निकलो भाई, निकलो निकलो निकलो। अब ये यार ये चार स्टार पुलिस में कैसे छ रहा हूँ। आई थिंक एक बार एयरपोर्ट पहुँच जाए, शहर से बाहर निकल जाएंगे ना फिर छुट जाएगी। एयरपोर्ट पहुँचते ही जो हमने कार्गो प्लेन जो सेट किया हुआ था वो उस पर हमें जाना पड़ेगा। उसके अंदर फ़ौरन हमने दस्ती गाड़ी घुसानी है और दस्ती वहाँ से निकल जाना है। यही एक तरीका है पुलिस छुटवाने का, लेकिन इस वक्त तो मुझे नहीं पता क्या हो सकता है। इस वक्त हमारी गाड़ी भी बहुत ईजीली पहचानी जा सकती है ना, अगर थोड़ी डिफरेंट गाड़ी होती तो हम लोग थोड़ा दूर भाग सकते तो लोग ज़्यादा पहचान ना पाते। अब तो हमने गाड़ी इतनी पॉपुलर बंदे की चुराई है तो जाहिर है हर बंदा पहचान रहा होगा, लोकेशन देता फिरेगा। अबे यार पहुँचने वाले हैं, बस ये सामने से कोई चलती हुई रेवेंटन ना आ जाए, क्योंकि चलती हुई रेवेंटन जो है ना उसी वक्त डायरेक्शन चेंज करके हमारा रास्ता ब्लॉक कर देती है। ओके बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। अब हमें बस रहिए, शुक्र हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए, स्टेडियम वाले एरिया पे तो पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट थोड़ा सा ही दूर है, पुलिस भी छुटने को कर रही, अच्छा नहीं अभी ब्लिंक कर रही थी वैसे, लेकिन छुटी नहीं है। अच्छा ओ बच गए, बच गए, बच गए, बच गए। यार ये काफ़ी तेज़ है, अभी मैं फुल स्पीड ट्राई नहीं की है, लेकिन एक बार एयरपोर्ट पहुँच जाए फिर इसकी ट्राई करते हैं फुल स्पीड। होपफुली प्लेन हमारा वहीं पर होगा, शुक्र है प्लेन हमारा वहीं पर और उसका रैम भी खुला हुआ है, शुक्र है। उससे पहले आई डोंट केयर, मैं रिस्क ले रहा हूँ बहुत बड़ा, लेकिन इसकी एक बार मैक्स स्पीड तो ट्राई कर लें। इसका नंबर प्लेट भी देखो, इसके पीछे उज्जवल भी लिखा हुआ है। ओके हैवी मैक्स स्पीड है भाई, हैवी मैक्स स्पीड है। मुझे नहीं पता, स्पीडोमीटर नहीं है मेरे पास इस वक्त। छोड़ो इसको, हम लोग चलते हैं सीधा प्लेन की तरफ, उसके अंदर घुसाते हैं। और मैं तुम लोग को एक और भी बात बता दूं, हम लोग एक बार शहर से बाहर निकलने के बाद ना, हम लोग इसको एक बार ना पेंट इसका चेंज करा लेंगे। हम लोग इसका ये वाला पेंट नहीं रहने देंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने ये वाला पेंट इसका रहने दिया तो इश्यू हो जाएगा। अच्छा ये प्लेन के अंदर बैठो भाई, अंदर हो गया। अब बस हमें यहाँ से निकलना है। यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले हम लोग गाड़ी को मॉडिफाई करेंगे, इसका ये जो पेंट है ना ब्लू वाला ये उतरवा देंगे, ताकि हमारी गाड़ी जो है आज के बाद कोई पहचान ना सके। उसके बाद वो हम पे, हम लोगों ने इसको बेचना है या इसको रखना है वो हम पे है। मेरा ये प्लान है कि जाहिर है इस गाड़ी के अंदर अब ट्रैकर वगैरह लगा होगा, क्योंकि जाहिर है इतने कोई बड़े बंदे की गाड़ी है। मेरा ये प्लान है कि इस गाड़ी को बेच देते हैं, उससे पैसे जितने आएंगे ना, उससे जितने पैसे आएंगे हम लोग उसकी ब्रांड न्यू लैम्बोर्गिनी सियान रख लेंगे। लेकिन अगर हम लोगों ने यही वाली सियान रखी तो जाहिर है इसके अंदर ट्रैकर होगा और हम लोग आराम से पकड़े जा सकते हैं। अभी हमें सिर्फ शहर से सिर्फ दूर जाना है। मैं एक और काम करता हूँ, जहाज़ को ऑटो पायलट पे लगा के ना कपड़े चेंज कर लेता हूँ, मास्क वगैरह उतार लेता हूँ, थोड़ा हुलिया वगैरह चेंज कर लेता हूँ, फिर किसी सेफ जगह पे जाके लैंड करते हैं, गाड़ी निकालते हैं, मॉडिफाई करते हैं और निकलते हैं भाई। ओके ये फील्ड भी आ गए, यहाँ पे हम लोग चुप करके अपना लैंड ही कर लेते हैं। जहाज़ प्लीज 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 क्रैश नहीं हुआ, इसको पड़ लगने वाले पहाड़ से। ओ बच गया बच गया बच गया बच गया। अच्छा अच्छा अब हमारी पोजीशन जो है बिल्कुल सेट है। ये इंजन थोड़ा स्लो कर लेते हैं, रनवे पे पहिया निकाल लेता हूँ मैं। अबे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन होपफुली लैंड हो जाएगा। टेंशन नहीं है। एक सेकेंड। अच्छा ओए हमारी पुलिस भी छूट चुकी है, मैंने रियलाइज ही नहीं किया। ओह शिट, ओके लैंडिंग तो हमारी थोड़ी फाड़ी हुई है, लेकिन खैर टेंशन नहीं है। ओके निकालो भाई इसको, निकालो भाई। और अब हम लोग सीधा चलते हैं लॉस सैंटोस कस्टम, चलते हैं सीधा इसको ले जाते हैं लॉस सैंटोस कस्टम्स। इधर है, अच्छा ये करीब ही एक कस्टम्स है, यहाँ पे सीधा ले जाते हैं, हमें लॉस सैंटोस वाले कस्टम जाने की जरूरत नहीं है। होपफुली यहाँ पे सारे पार्ट्स वगैरह होंगे, हमें वैसे सिर्फ और सिर्फ इसका पेंट उतरवाने और बाकी स्पीड तो आई थिंक इससे ऑलरेडी पूरी की पूरी बूस्ट कराई हुई है। हमें सैड थे वो भाई, घुसाओ। अच्छा लेट्स सी कि इसके पास और कौन कौन सा कलर है, कौन कौन सा प्रिंट है। रिपेयर व्हीकल हो गया,
आर्मर, ब्रेक, हमें इनमें से कोई भी चीज़ चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस सिर्फ इसको रीस्प्रे करवाना है बस। ठीक है, ये वाला, अच्छा इसके पास सिर्फ एक ही कलर है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। हम ये वाला कर लेते हैं क्योंकि अब जाहिर है अब हमने इसको डिफरेंट करना है। और अब हम लोग यहाँ से चलते हैं फ्रैंकलिन के घर और उसको बताते हैं कि कौन सा, और उसको बताते हैं कि भाई क्या करके आए हैं हम। वो इसका नंबर प्लेट चेंज करवाना भूल गया यार, नंबर प्लेट पे उज्वाल ही लिखा हुआ है। एक सेकंड, मैं नंबर प्लेट भी चेंज करवा लूँ एक बार। तो नंबर प्लेट पे भाई मैंने डक्की लिखवा लिया है, प्लेट अपडेट करवा ली है। अब चलते हैं हम लोग फ्रैंकलिन की तरफ। कितने है फ्रैंकलिन? तो भाई अब तुम लोग मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि क्या हम लोग ये गाड़ी को रखें या ना रखें। मैं प्रेफर करूंगा कि हम लोग इसको ना रखें क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर ट्रैकर है और जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, अगर उन्होंने ट्रैक कर लिया तो हम लोग जाएंगे पकड़े। ठीक है, हम लोग पकड़े जाएंगे, हमारी हो जानी है गंदी। तो इसलिए हमें या तो बड़े ध्यान से चलानी पड़ेगी गाड़ी ये, ठीक है, हमें थोड़ा अंडर कवर लेना पड़ेगा, या फिर हम लोग इसको एक काम कर सकते हैं कि हम लोग इसको बेच देते हैं। बेचने के बाद जो पैसा आएगा हम लोग उससे ब्रांड न्यू लैम्बोर्गिनी सियान रख लेंगे, ठीक है, उसकी हमें कोई टेंशन भी नहीं होगी और वो हम लोग अपने पास भी रख सकेंगे। लेकिन ये जो है थोड़ा रिस्की है, इसका हमें देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। फिलहाल के लिए हम लोग फ्रैंकलिन के पास चलते हैं, उसकी जलाने कॉल लगा लेते हैं एक बार। कितने है, किस बच्ची के पास मिलने आया था भाई? कैसी लगी गड्डी भाई? खैर अब हम लोग इसको फ्रैंकलिन के घर लेके जाके इसको सरप्राइज देते हैं कि एक गाड़ी हम लोग लाए ही इसके लिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं फ्रैंकलिन के घर, अब हम लोग गाड़ी को सीधा फ्रैंकलिन के गैराज में रख देते हैं और इमोशनल होकर शायद रोना ना शुरू कर दे बेचारा। उन्हें बताना रेवेंटन के साथ जब खड़ी होगी सियान, फरारी के साथ जब खड़ी होगी सियान। और इसे मौसम देखो कितना फिट हो रहा है उसके साथ, लैम्बोर्गिनी साथ खड़ी हो तो मज़ा ही कुछ और है। अच्छा इसको हम लोग किस तरह से लगाएं? आई थिंक इत्थे होगी साड़ी सियान। आ जा भाई, लॉक कर देते हैं, चाबी पकड़ाए थे इसको। कैसा लगा भाई, कैसा दिया? अब बॉयज तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ क्या करना चाहिए इस गाड़ी का, ठीक है? तो जो भी डिसीजन होगा हम लोग करेंगे नेक्स्ट में। अगर बेचनी हो बेच देंगे, तरीके से बेचेंगे, ठीक है, और अगर नहीं बेचनी हो तो हमारे साथ इशू हो सकता है, ठीक है। ट्रैकर लगा हुआ है गाड़ी पे और हम लोग पकड़े जा सकते हैं, इशू हो जाएगा, मसला हो जाएगा। तो बेस्ट तो मेरा मानना यही है कि बेच देते हैं, लेकिन अगर नहीं तो देखी जाएगी क्या सीन है। लेकिन फॉर नाउ लाइक एंड सब्सक्राइब बॉयज, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी दबाना, ठीक है, और बेल आइकन लाजमी दबाना अगर सब्सक्राइब कर रहे हो। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ GTA 5। कल हम लोग GTA 5 नहीं डालेंगे, कल हम लोग PUBG Mobile डालेंगे, उसके बाद हम लोग डालेंगे वापस GTA 5। आई विल सी यू गाइज टुमारो, बाय बाय। और बाय द वे जाने से पहले मुझे एक और बात भी बताओ कि टेक्नो गेमर की ट्रॉन बाइक भी ना चुरा लें अगर हमारा ये वाला मिशन कामयाब रहा, क्योंकि अभी मिशन पास हुआ नहीं है, अभी हमें एक दो दिन देखना पड़ेगा कि हम लोग अंडर कवर हैं, हम लोग सेफ हैं, और अगर सेफ रहे तो हम लोग ट्रॉन बाइक भी चुरा लेंगे। तो सब्सक्राइब लाजमी करना, बाय बाय।